हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सर्दियों की बहुत ही अच्छी एक स्वीट डिश की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि सर्दियों में हम लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और बनाने में का तरीका भी इसका बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाऊँगी। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं आज गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही ईजी तरीके से मैं बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं और देखिए इसके लिए हमें क्या क्या लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसके बगल में बेल बटन है उसको प्रेस करिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए चलिए बनाते हैं सर्दियों की बहुत ही खास स्वीट डिश। और मेरे चैनल पर अभी तक शायद मैंने कोई स्वीट डिश डाली भी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना गाजर के हलवे से ही शुरुआत करते हैं। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट हैं वो सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए चलिए बनाते हैं यम्मी सा गाजर का हलवा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 किलो गाजर कस ली है गाजर का हलवा बनाने के लिए, और इसको अच्छे से धो के और जो ये स्टील की झन्नी होती है उसमें रख दिया, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और ये दूध लिया है मैंने 1 कप, इसको मैं उबालते समय इसी दूध से ही मैं उबालती हूँ। और ये इलायची मैंने ली है थोड़ी सी, और ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम लिए हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हो आप डाल सकते हैं। और ये 250 ग्राम चीनी ली है और 250 ग्राम के करीब ये खोया है। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुकर मैंने चढ़ा दिया गैस पे, और इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डालूंगी। और ये घी पिघल गया अच्छे से। अब मैं इसमें ये गाजर डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। थोड़ा धीमा कर देते ताकि नीचे से लगने ना पाए। इसी तरीके से पूरी गाजर इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी गाजर मैंने डाल दी है इसमें कुकर में। इस तरीके से थोड़ा जल्दी बन जाता है। कढ़ाई में मैं बनाती हूँ, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे बनाने में बहुत ही जल्दी आपका हलवा बनके तैयार हो जाएगा। बस इसमें ये दूध डाल के मैं इसको एक सीटी बस लगाऊंगी, एक सीटी में ये अच्छे से गाजर गल जाएगी। और ये सीटी लगा देंगे, एक सीटी में गल जाएगी हमारी गाजर। और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे, तो जब तक इसको पकने देते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये गाजर हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, और अब इसको इसका पानी सुखा लेते हैं। तो इसको मैं कुकर में नहीं करूँगी, इसको मैं कढ़ाई में करूँगी। बस थोड़ी होती तो कुकर में कर लेते, लेकिन ज़्यादा है तो खोया है मिलाते नहीं बनेगा, इसलिए इसको मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी। तो आइए इसको कढ़ाई में कर लेते हैं, तब बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कढ़ाई में डाल लिया है इसको, और अब मैं इसी में चीनी ऐड कर दूंगी। और इसको चलाते रहना है ताकि नीचे लगने ना पाए। अभी तो है ज़्यादा
अभी इसमें दूध है, और अगर खोया आप ना डालें तो उसकी जगह फ्रेश मलाई दूध की डाल सकते हैं। मैं भी फ्रेश मलाई दूध की डालती हूँ, लेकिन खोया है तो खोया भी डाल दूँगी। और इसको अच्छे से सुखा लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने तेज रखा और बीच बीच में चलाते रहेंगे इसको। चीनी डाला है तो अभी इसमें और भी पानी छूटेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको। और इलायची डाल देंगे, ड्राई फ्रूट, अभी थोड़ा सा और पानी सूख जाएगा तब डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका अधिकतर दूध और पानी जो था वो सूख चुका है, तो अब इसको और ज़्यादा नहीं भूनेंगे और गैस की फ्लेम को अब धीमा कर देंगे ताकि ये लगने ना पाए। अब मैं थोड़ा सा खोया इसमें डाल के मिलाऊंगी और थोड़ा सा इसमें ऊपर से डालूंगी। तो ये थोड़ा मिला देते हैं पहले और थोड़ा सूखा ऊपर डालेंगे। और जो ये ड्राई फ्रूट काटे थे वो भी अब डाल देंगे और इन सबको फिर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हलवा बहुत ही जल्दी बन जाता है। कुकर में मैं बनाती हूँ तो अच्छे से गल भी जाता है और अच्छा बन जाता है जल्दी। तो इन सबको भी मिला लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये खोया भी इसमें अच्छे से मिल गया, सारे ड्राई फ्रूट भी मिक्स हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। इसको मैंने खोए से और थोड़े से काजू से डेकोरेट किया है, तो बहुत ही कम समय में मेरा ये हलवा बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये हलवा बनाने का मेथड कैसा लगा। सभी लोग हलवा बनाते हैं लेकिन सबका थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है, तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।